हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट वन, यानी बीए फर्स्ट ईयर का एजुकेशन का पेपर, जो कि पेपर थर्ड है, जिसका नाम है एक्सेप्शनल चाइल्ड। ये पेपर केवल ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है, केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ही ये पेपर होगा। ये पेपर एक 2020 में आया हुआ पेपर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या रहता है। तो देखिए, 30 नंबर का पेपर ये होने वाला है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। सभी सेक्शंस आपको निर्देश अनुसार करने होंगे। जैसे कि बात करते हैं सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला हम बात करते हैं सेक्शन ए खंड आ की, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आंसर रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबके में एक एक ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, परिभाषा की सहायता से विशिष्ट चालक वालक के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सामान्य वालकों से विशिष्ट वालक किस प्रकार भिन्न होते हैं? अच्छा क्वेश्चन ये है। अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा होगा, विकलांग वालक किसे कहते हैं? इनकी शिक्षा एवं स्वरूप एवं उनके प्रकार बताइए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालिका से किस प्रकार अलग होता है? अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, अगर ये नहीं आता आपको तो नीचे वाला क्वेश्चन ये सॉल्व आप कर सकते हैं। सब समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक व्यवहार के कारण और उपचार बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है 3रा क्वेश्चन, पिछड़े बालक की पहचान कैसे करेंगे? पिछड़ेपन के कारणों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, मंद बुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं हैं? मंद बुद्धि बालकों का वर्गीकरण कीजिए। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या हैं और उनका वर्गीकरण आपको करना है। इसी के साथ सेक्शन बी आ जाता है, जिसे खंड बा बोलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको 7 मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के प्रकार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं? ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया हुआ है। पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए? समस्यात्मक बालकों के प्रकार बताइए, लॉन्ग में क्वेश्चन मिल चुका है। मंद बुद्धि बालक व पिछड़े बालक में किस प्रकार भेद करेंगे? नेक्स्ट है, कोमल व निर्बल बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-13 वर्षीय मंद बुद्धि बालक हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन इसका 8वां क्वेश्चन जो है, 1 विकलांग बालक की शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ये 8 क्वेश्चन में से केवल 5 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर चलते हैं सेक्शन सी की ओर, खंड सा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, 1/2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दे रखा होगा, विशिष्ट बालक के में प्रमुख विशेषता है, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक न्यूनता से ग्रस्त बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई एक सही होगा आपको वो बताना है। इसी प्रकार से 2रा क्वेश्चन, 3रा क्वेश्चन और ये 4था क्वेश्चन होगा। 4 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें 4 ऑप्शन से एक आंसर कोई ठीक है, जो आपकी आपको टिक लगाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ही, केवल बीए पार्ट वन का है, एजुकेशन का पेपर नंबर थर्ड ये है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।